अब हमारे साथ जुड़ गए हैं नारायण जी, जो यहाँ के मुख्य पुजारी जी है, जो भगवान की सेवा करते हैं। हमें इस मंदिर के और इस तीर्थ के महत्व के बारे में बताएंगे। तो महाराज जी, टेक्निकल ये जो आबू है ना, ये आप इशू की वजह से वीडियो डिलीट हो गया था। यहाँ पे एक धर्म खाई हुआ करती थी, और वशिष्ठ मुनि जी की गाय जब चढ़ने जाती थी तो उस धर्म खाई में गिर जाती थी। इसके निवारण के लिए वशिष्ठ मुनि जी द्वारा हिमालय से अनुरोध किया गया कि आप अपने पुत्र अरावली को यहाँ भेजिए ताकि वो समा जाए और ये हमारा कष्ट निवारण हो जाए। तब अरावली पर्वत आए और उन्होंने मना बोल दिया कि मैं इसमें प्रभु समा नहीं पाऊंगा। तो उनको वशिष्ठ मुनि जी द्वारा श्राप दिया गया कि जा, बिखर जा। तब से अरावली प्रपंच श्रृंखला बनी हुई है। एवं आगे जब उनके दूसरे पुत्र को नंदे वर्धन जी को भेजा गया, तब उनके द्वारा आए यहाँ पे, उस खाई को देखा और आगे क्या हुआ, तो चलिए सुनते हैं महाराज जी के श्री वाणी से। तो मेरे को भी श्राप दे देंगे। तो दे नंदेवर्धन बोला कि मैं खाई में उतरने के लिए तैयार हूँ प्रभु, लेकिन मेरे ऊपर 33 कोटि देवताओं का वास होना होना चाहिए चाहिए और 18 बार वनस्पति, जो हिमालय में वनस्पति है, जी। वो सब मेरे ऊपर होनी चाहिए, तो मैं इस खाई में उतरू। हाँ तो वशिष्ठ मुनि ने बोला कि तथास्तु, उतरो। जी तो नंदेवर्धन उतरने के लिए तैयार हुआ था, वो अर्बुद सर्प बोला कि मैं आपको वहां से उठा के लेके आया हूँ, हाँ तो मेरा भी कुछ होना चाहिए। जी तो नंदीवर्धन ने बोला कि वेदों के अंदर मेरा नाम रहेगा, लेकिन मैं तेरे नाम से जाना चाहूंगा। चाहूंगा तो उस अर्बुद सर्प के हिसाब से इसका नाम आबू पड़ा। आबू फिर वो दोनों खाई में उतरते हैं, जी तो खाई इतनी गहरी थी कि पूरे डूब गए दोनों। तो जी बाबू फिर भोलेनाथ को प्रार्थना करी नंदीवर्धन ने कि प्रभु बचाओ हमको। तो महादेवी ने फिर पैर के अंगूठे से थोड़ा, पैर से उनको थोड़ा सहारा दिया, सारा दिया। तो वो थोड़े डूबे तो ये खाली मुंह बार है, अच्छा पूरा ये खाई में है। फिर वो स्थिर हो गए। स्थिर होने के बाद में वशिष्ठ मुनि ने देवताओं का आह्वान किया, तो 33 कोटि देवता यहाँ आके एक रात्रि वास किया। अच्छा वास करने के हिसाब से वास्थान जी नाम पड़ा। जी फिर महादेव जी भगवान विष्णु को कहते हैं कि भाई मैं तो परिवार के साथ यहीं बैठूंगा, हाँ आप सब देवताओं को ले जाके अपनी अपनी जगह स्थान ग्रहण करवा के आप वापस पधारो। जी तो भगवान विष्णु यहाँ से सब देवताओं को लेके ऊपर चढ़ते हैं और सबको अपनी अपनी जगह स्थान ग्रहण करवा के भगवान जी विष्णु वापस यहाँ आते हैं। अच्छा तो महादेव जी उनका अतिथि के रूप में सत्कार करके आसन देते हैं कि प्रभु आप भी मेरे पास विराजे, विराजिए जी, ये यहाँ की है। इसलिए हर और हरी यहाँ पे साथ में है। हाँ, इसके हिसाब से साथ में अतिथि के रूप में, मेहमान के रूप में। अच्छा जी तो यहाँ पे भगवान की पहले पूजा होती है, जी अतिथि के रूप में है ना, तो पहले हाँ, भगवान की पूजा आरती, विष्णु भगवान की पहले होती है। पहले भोग भी पहले भगवान को लगता है, हाँ फिर महादेव जी को। जी बाबू जी, ये यहाँ की विशेषता है। विशेषता है। और यहाँ 33 कोटि देवता रात रुके हैं ना, तो इसका मातम बहुत बड़ा है। यहाँ अपन दूसरी जगह रात रहते हैं और एक यहाँ रात रहते हैं, उसमें बहुत तो मतलब हर कई गुना इंसान को में, एक रात्रि विश्राम यहाँ करना हाँ चाहिए। करना चाहिए। जो परिक्रमा करते हैं ना जी आबू की, हाँ यहाँ यहाँ से चालू होती है। ऐसे हाँ तो आप अलग अलग जगह से करते हैं, लेकिन जी मेन तो यहाँ से स्टार्ट चालू होगी, होती है और यहाँ ही पूरी होती पूरी है। होगी चाहिए तो उसमें एक रात उनको रुकना चाहिए, जी बाबू जी, जो परिक्रमा करते हैं जी एक रात्रि रुकना चाहिए। सही है। अच्छा, क्योंकि देवता रुके हुए हैं, हाँ तो ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ठीक बड़ी बात है। जी, बहुत बहुत और धन्यवाद यहाँ पे आपका बहुत साधु संत भी बहुत भजन करके गए हैं। जी, यहाँ कई गुना भजन एक दिन करते हैं, तो वो कई दिनों का भजन मिल जाता पक जाता है। है। और ये सबसे बड़े मुनि मुनि जी महाराज यहाँ तपस्या मुनि की जी हुई महाराज, यहाँ दो मुनि हुए हैं, जी एक जो धुना है ना, जी ये मुनि 200 साल पहले हुए थे, अच्छा उनकी समाधि भटाना में। अच्छा तो उन्होंने एक भंडारा किया था 200 साल पहले, तो जी उस भंडारे में मालपुए बन रहे थे हाँ और जिमने वाले लोग बहुत हजारों आ गए, तो घी कम पड़ गया। जी तो फिर रसोई ने बोला घी लेने तो भेज दिया था, लेकिन घी हाँ आया नहीं था और जिमने वाले ज्यादा थे, क्योंकि ज्यादा थे हाँ बाबू जी के घी खत्म हो गया और घी अभी तक आया नहीं है, क्या करेंगे। तो बोला कि गंगा मैया से ले लोगे, अच्छा तो फिर वो गंगा मैया से वो घी ले, पानी ले पानी लेके उस तावड़ी में डाला, उसका घी बन गया और सबको जिमाए। जिमाए जिमने के बाद में फिर वो घी आया, हाँ तो कि बाबू जी घी आ गया, क्या करे। तो जितना लिया उतना ना मैया को दे दो। दे दो वापिस। तो वो कुंड के अंदर रेड़ा था। अच्छा ये मुनि भटाना में उनकी समाधि है समाधि है और ये धुना यहाँ पे। जी और बाद में ये अभी 60 साल हुए शमशेर गिरिजी महाराज, जी
ये उनकी पास में समाधि है जी बाबा। ये भी बहुत महान हुए, इन्होंने 108 परिक्रमा आबू की लगाई थी, लगाई हुई है। बहुत महान सिद्ध थे जी। तो यहाँ की तो बात ही अलग है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। राज की जय। पुजारी है, हम भी यहाँ 500 बरस से यहाँ पूजा कर रहे हैं जी। हमारे पूर्वज जी पीढ़ी दर पीढ़ी 500 वर्ष हो गए हमको। और दोस्तों ये जो कुंड है जिसमें महाराज जी ने अभी जिक्र किया था कि पानी से कैसे घी बना गंगा मैया से और कैसे घी को पानी में वापस, ये कुंड है यहाँ पे।